आगे साक्षात शिव के दर्शन हो जाते हैं।
हेलो हेलो, देखिए बड़ा भंडार है, किसी का ये थैला गुम हुआ है, जिसका भी है वो ले ले, पहले भी थैला दिया दूसरा है। नंबर दो, ये कुछ व्यक्ति अगर जल्दी गलती से कोई नशा किया है तो कृपया मंच के ऊपर ना आए, अच्छा नहीं लगता। महामाया के पास आप आ रहे हैं और यहाँ डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध कि वे पंडाल में पीछे खड़े होकर के डांस करें जहाँ पर भी है। तो ये तो एक अपना दायित्व भी बनता है कि अगर यदि हम गलत हैं तो गलत है। और तीसरी बात, जो बिना भोजन के हैं इस पंडाल में, उनके लिए अंतिम जो है मैं कॉल कर रहा हूँ कि वे कृपया चले जाएं, क्योंकि कल सुबह भी हमारा लंगर बड़े जल्दी प्रारंभ हो जाता है, वे अपना अपना भोजन ग्रहण कर लें। ऐसा नहीं कि ईद से ही अपना पेट भर लिया और सुबह आप भूखे रह गए, तो वो भोजन ग्रहण कर लें। और जिसका भी ये बैग है वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा तब ये मिलेगा, क्योंकि इसमें और भी बात है। आप कल्पना कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए।
कटाए हैं ना छोटी छोटी, इसका टीशन भी मिल जाता है, इस पर गौर मत कीजिएगा। एक और तुम्हारे। इसके पीछे भी एक कहानी है,
अभी मेरे राइटर ने मुझे गाना लिख के दिया, कुलदीप भाई हमें गाना गाएंगे, घुट घुट मारे विस्किरा लाना पिमरा तेरे होटल है। मैंने बोला भाई मैं ब्रांड मास्टर हूँ नशा मस्त हिमाचल का, घुट घुट हम विस्की का नहीं लगवाएंगे, हम लगाएंगे चाय का घुट। और वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ, आपने सुना है ना वो गाना। चलो यार कभी नाटक का प्रोग्राम होगा तो ये कुछ और बात है। तो मैं ये कहता हूँ न्यू जनरेशन से आप माँ के दर पे आए हो, उनके माता पिता भी आए हैं, आज यहाँ प्रण करके जाइए कि हमें नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त भारत बनाना है। क्योंकि अब तो हमारे समय में जब मैं बीता था उस समय बताओ क्या होता था, जो मैंने करा है उनको भूल कर दूंगा। घंटी लगा ली, घंटी आप जानते हैं गाली लगा ली। और दूसरा होता था जय शंकर, शंकर भगवान ने, ये भी भैया झूठी बातें हैं, किसी ने ये मुझे बता दो शंकर भगवान को किसी ने भांग पीते देखा है? एक आदमी का हाथ खड़ा। ये सिर्फ बातें हैं, ये भजन है। भगवान तो खुद एक नशा है, कभी नशा नशा करता है, परमात्मा तो एक नशा है, जो खुद नशा होता है उसे नशे की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ा नशा है प्यार का नशा, आप प्यार के नशे में जुड़िए। मैं ये चाहूंगा कि 19 साल पहले मैंने छोड़ा भाई, तो आज मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा नहीं मैंने सुटा भी किया था, दारू भी पिया, आज 19 साल हो गए हैं ये तल पे खड़ा हूँ। तो मैं तब आपके लिए कह रहा हूँ कि भाइयों नशा नहीं करना है, अब तो ऐसे ऐसे नशे हैं चिंता। भाई मेरे तो बाप ने भी नाम नहीं सुना, अब ऐसे ऐसे नशे मुझे बता रहे तो भाई क्या होता है आप भाई सुनते रहो उसके बाद फिर पता है। और ऐसे सुनने वाले थे ना कहीं कि होश में ही नहीं आए, ठीक है जी। और शिव मेरे बोल Thank you.
अब वो आप जाने कृष्ण भगवान जी जाते हो ना,